हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि AKTU के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि गाइडलाइंस आ चुका है और उनका एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई में। तो वो लोग बहुत परेशान हैं अपने एग्ज़ाम्स को लेके, वो कमेंट कर रहे हैं लगातार। तो उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या स्टूडेंट्स की परेशानी है और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। और लास्ट में मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, तो लास्ट तक ज़रूर देखें। आपसे रिक्वेस्ट है, और आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो यार। और VC सर ने एक कॉन्फ्रेंस किया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो एक पहले भाई हैं भारत त्यागी, इनका नाम है। वो कमेंट करके लिखते हैं, आर यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स हु हैव टू ट्रैवल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड वॉट नॉट। तो बच्चे अपने घर जा चुके हैं जो बिहार से हैं और या यूपी में ही हैं, तो वो बॉर्डर क्लोज हो चुके हैं, तो वो ट्रैवल करना करके आना पड़ेगा अपने अपने कॉलेजेस में। तो वही बोल रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं या नहीं लेते हैं, इसकी गारंटी क्या है। अभी दूसरा हम कमेंट आपको पढ़ाते हैं, AKTU आर यू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ। ये भी यही बात कर रहे हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं हर एक छात्र की। गिव इंश्योरेंस ऑफ 1 करोड़ ऑफ ईच स्टूडेंट, या ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ का हमें इंश्योरेंस दीजिए। यू गाइज सिटिंग इन AC ऑफिसेस डिक्टेटिंग एंड प्ले विद स्टूडेंट्स कैरियर एंड लाइफ। यानी इतने परेशान हैं जो भी स्टूडेंट्स हैं कि ये बोल रहे हैं कि आप हमको ट्रबल में डाल रहे हैं और अपना खुद AC में बैठ के हम लोग को लेक्चर दे रहे हैं और डिक्टेट कर रहे हैं। कुछ और भी देखते हैं, VR भाई लिखते हैं, दुनिया ख़त्म होने वाली है और इनको एग्ज़ाम की पढ़ी है, हे प्रभु। फिर दूसरे लोग लिखते हैं, ऋषु मनमोहन, जुलाई में एग्ज़ाम देना हम लोग को अत्यंत से कम नहीं है। यानी कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग को आत्मदाह से करने से कम नहीं है अगर हम जुलाई में एग्ज़ाम आप लेते हैं। तो ये भाई लोग ये बहुत परेशान हैं, ये स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन एग्ज़ाम नहीं हो सकता, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप बार बार लिख सकते हैं अगर आपकी ज़िंदगी रही तो, और ज़िंदगी ही नहीं रही। अगर कोरोना वायरस से पॉजिटिव हो गए तो आप अपना इलाज कराएंगे। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप ज़िंदा नहीं रहेंगे, आप हो सकता है रिकवर कर लें, लेकिन आपको झेलना पड़ेगा। और दूसरा स्टूडेंट्स लिखते हैं, ये थोड़ा मजाकिया टाइप में लिखा है स्टूडेंट, लिखते हैं, सर आई हैव कोरोना, यानी मुझे कोरोना है। AKTU बोलता है, डोंट वरी, वी विल एक्सक्यूट एग्ज़ाम फॉर यू, मैंने आपके लिए मैं एग्ज़ाम रखूँगा। स्टूडेंट्स बोला, व्हाट इफ आई डाई, अगर मैं मर गया तो। फिर AKTU बोला, डोंट वरी, वी विल एक्सक्यूट एग्ज़ाम इन हेल, अगर आप मर गए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नरक में भी आपका एग्ज़ाम कराएंगे। तो ये देख सकते हैं कि कितने परेशान हैं दोस्तों, और कैसा कैसा चीज़ लिख रहे हैं मजाक में। फिर एक दोस्त लिख रहे हैं, यू आर टोटली इनसेन, यू पीपल आर जस्ट सिटिंग इन AC केबिन। वही बात दोहरा रहे हैं कि आप AC में बैठ के रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने में और प्रमोशन करने में बिना एग्ज़ाम के। तो अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि आपको या तो प्रमोट कर दें नेक्स्ट सेमेस्टर में, या ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं। और हमने देखा है कि कुछ यूनिवर्सिटी जैसे पुणे यूनिवर्सिटी हो गया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी हो गया, उन्हें ऐसा डिसीजन लिया है, उनको प्रमोट कर दिया गया है नेक्स्ट सेमेस्टर में विदाउट एग्ज़ाम। और या तो कुछ बैंगलोर की यूनिवर्सिटी है, वो ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की तैयारी में है। तो आप लोग की क्या परेशानी है और आपका क्या सोल्यूशन है और आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और लाइक ज़रूर करो। धन्यवाद।